हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। थोड़े से लेक्चर्स लेट आ रहे हैं, मैंने आपको कल भी कहा था। लेक्चर्स लेट आने की वजह सिर्फ यही है, अभी हमारी सारी टीम बस उसी चीज़ पर देख रही है कि जो अभी आपके रिसेंटली एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे एंड पे स्किप हुई है। तो हम लोग अब उस पर लेक्चर्स बना रहे हैं, पहले पहली प्रायोरिटी हम लोगों ने उस पर रखी है। तो बहुत जल्द आप लोगों को वो लेक्चर्स मिल जाएंगे और ये जो करंट अफेयर की क्लासेस थोड़ी सी आपको लेट मिल रही हैं ये टाइम पर मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही अब टाइम आ चुका है आप लोगों का कि आप लोग अपने मॉक टेस्ट और उससे इंपॉर्टेंट है सेक्शनल टेस्ट ये अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे आपको जेके एसएसबी या जेके पीएससी के एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं उन सबके टेस्ट दिख जाएंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, एसआई ग्रेजुएट लेवल जो है फाइनेंस का, जूनियर असिस्टेंट, जेके एसएसबी पटवारी, जेएसए, जेई सिविल, सारे आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप लोगों ने अपनी सेक्शन या अपना सिलेबस कवर कर लिया है तो आप लोग सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू करें, देखें कि क्या क्या चीज़ें आपको अभी भी गलत हो रही हैं। जैसे हम लोग अभी चीज़ें इंप्रूव कर रहे हैं, आप लोग भी अब चीज़ें इंप्रूव करें। अब पढ़ाई हम लोगों ने बहुत कर ली है, आप लोगों बहुत करवा ली है, अब एक टाइम आ चुका है एक स्टेप ऊपर जाने का। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना आप सीरियस होना स्टार्ट कर ले एग्ज़ाम्स को लेके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम टाइम पे ही होंगे और बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो बच्चे कह रहे थे कोड का। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रिपल एस लिखते हैं बिना स्पेस के साथ इस तरीके से तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग ये भी अवेल कर सकते हैं। वो फिर आप लोग अगर मॉक टेस्ट चाहते हैं या डिटेल नोट्स चाहते हैं तो हर एक में अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अभी हाल ही में जो है एक चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ये किसके लिए किया गया है? ये किया गया है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने का और जो इक्विपमेंट डिज़ाइन हैं उनको और किस तरीके से उसमें इनोवेशन लेके आई जा सके। तो वो क्या इस चैलेंज का नाम रखा गया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्या पहला एडिशन है, नहीं ये पहले भी हो चुके हैं। नाम है इसका DISC 5.0। अब ये DISC है क्या? तो ये है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ये इसका फिफ्थ एडिशन है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये 5.0 भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फिफ्थ वर्जन है। अब ये किसके अंडर होता है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताऊं एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, आईडेक्स DIO ये पूछा जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट करवाती है? तो ये करवाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब ये होता क्या है? तो ये होता है आपका इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ये है आपका इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको कंडक्ट करवाती है। ये पूरी की पूरी जो चैलेंज है ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री कौन सी है वो मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करवाती है। किसके साथ मिलकर करवाती है? तो वो है अटल इनोवेशन मिशन के साथ। ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो ये टोटल 35 चैलेंजेस कंडक्ट करवाएंगे जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, आर्म फोर्सेस की किस तरीके से हेल्प की जा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से लेके आया जा सके। तो ये सब इस पर होता है। मिनिस्टर कौन है इस समय डिफेंस के? तो वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इस समय मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, और यूपी न्यूज़ में था क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉड टैक्सी चलाई जाएगी वहाँ पे पहली बार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है वुमेन को कि वुमेन जो है वो अपेयर कर सकती हैं किस एग्ज़ाम में। तो आपको बता दूँ पहली बार होगा ये 65 ईयर्स की हिस्ट्री में कि NDA एग्ज़ाम में वुमेन जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्जाम्स में। यहाँ पे पहले सिर्फ जो है मेन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से वुमेन भी अप्लाई कर सकते हैं। NDA कब बनाया गया था? ये स्टैटिक GK के क्वेश्चंस हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं। तो ये बनाया गया था 1954 में। कहाँ पे हुआ था या शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। और अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए पुणे में कहाँ से हुई थी, तो वो थी जगह का नाम था खड़क वासला, वहाँ से ये शुरुआत हुई थी। ये जॉइंट डिफेंस सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है NDA, जो इंडियन आर्म फोर्सेज का है। तो इसमें पहली बार ये होगा और ये जो है ये पहला ट्राई सर्विस अकेडमी है वर्ल्ड की, तो ये भी याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के इस समय चीफ जस्टिस कौन है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इस समय NV रमना,
होमवर्क है आपके लिए कि आपको बताना है ये कौन से में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी है, उस पर भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में कौन सा एक ऐसा हाईवे है जो इंडिया का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बना है? अब ईवी क्या है? ये है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इस समय स्ट्रेस दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो पहला ऐसा जो हाईवे बनाया गया है जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन आप लोगों को मिल जाएंगे, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये होगा दिल्ली से चंडीगढ़ तक। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, क्योंकि पहला बना है इसीलिए है। और अभी हाल ही में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है? ये अभी हाल ही में था, सेकंड पूछा है मैंने, लॉन्गेस्ट नहीं पूछा। लॉन्गेस्ट आप लोगों को पता है दिल्ली टू मुंबई है, लेकिन आपको बताना है सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया का पहला ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है, किस कंपनी के द्वारा? तो ये जो ऑल्टरनेट फंड है ये पहली बार लॉन्च किया गया है आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के द्वारा, तो आपको बस यही नाम याद रखना है। ऑल्टरनेट फंड क्या होता है ये मैं आपको किसी दिन डिटेल क्लास में सारा समझाऊंगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिया इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में किस बैंक ने कहा है कि वो साइन करेगा सॉफ्ट लोन? अब ये जो टर्म है सॉफ्ट लोन, ये क्या होती है? सॉफ्ट लोन कितने अमाउंट का होगा, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। 210 मिलियन डॉलर का कहा गया है कि वो प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ गेनी को फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स एंड सोलर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कौन सा बैंक दे रहेगा, तो वो होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। अब यहाँ पे जो एक्सिम आप लोग देख रहे हैं ये है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इंडिया का, तो ये देगा 210 मिलियन डॉलर। अब सॉफ्ट लोन होता क्या है, इस लोन में या तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है, नो इंटरेस्ट, या फिर जो मार्केट रेट चलते हैं उससे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। और दूसरा क्या होता है, ये लीनियंट टर्म्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने किसी ने आपको 5 साल का लोन दिया है, तो इस पर ऐसा नहीं कि आपको 5 साल में ही चुकाना है, ये 6 साल 7 साल एक्सटेंड होता जाता है, लीनियंट होता है काफ़ी टर्म। तो ये दिया गया है सॉफ्ट लोन जो गिनी को, गिनी की कैपिटल याद रखिएगा, अब इन जगह की कैपिटल्स एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी कैपिटल है कोनाक्री, CONKAKRY, तो ये याद रखिएगा। एग्जिम जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब यहाँ पे HDFC का भी बता दूँ, HDFC में अभी हाल ही में RBI ने अपना जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा ली हैं, 8 महीने बाद अब ये अपना क्रेडिट कार्ड जो है ये देना शुरू कर सकते हैं कस्टमर्स को। अब लेकिन क्रेडिट कार्ड पे ही बताऊँ तो मास्टर कार्ड पे लेकिन RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ये नए जो कस्टमर्स हैं उनको एनरोल नहीं कर सकते। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंटेल इंडिया ने कलेबोरेट किया है किस इंस्टीट्यूट के साथ, जिसके तहत वो प्लग इन अलायंस बनाएंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री 4.0। तो ये जो अलायंस है ये किसके साथ बनाई जाएगी, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेल इंडिया ने किसके साथ किया है, तो बेसिकली किया किसके साथ है, आईटी बॉम्बे की एक सब्सिडरी है SINE। अब ये SINE क्या है, तो ये है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, IIT बॉम्बे की है ये, इनके साथ इन्होंने किया है प्लग इन अलायंस फॉर एनहांसिंग इंडस्ट्री 4.0, जिसके तहत ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं इंडस्ट्री 4.0 के, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेटरी रेवोल्यूशन होगा जो कंट्री का, तो उसके तहत ये किया गया है कि जो भी टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं किस तरीके से उसमें इन्वॉल्वमेंट या इम्प्रूवमेंट की जाए, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से MD CEO हैं जिनको 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया है इंडियन बैंक में, तो ये दिया गया है शांति लाल जैन को, 3 साल का एक्सटेंशन मिला है इन्हें, एक्सटेंशन नहीं कहूँगा मैं, अपॉइंट हुए हैं। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे पद्मजा चुंदुरू। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिस भी बैंक के नाम में इंडियन आता है उसका हेड ऑफिस है चेन्नई में। अब दो बैंक है, एक है आपका इंडियन बैंक और एक है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है, तो याद रखना काफ़ी आसानी हो जाती है यहाँ से।
तो ये आप याद रखना, अगर भी एग्जाम में पूछा गया तो आपको ये स्ट्राइक कर जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसे रीअपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपसे। अगर एग्जाम में पूछा जाए इस समय इंडिया के सीवीसी कौन है, यानी कि चीफ सेंट्रल जो विजिलेंस कमिश्नर है वो कौन है, तो वो है सुरेश एन पटेल, इनका नाम याद रखना। अगर पूछा जाए चेयरमैन किसको बनाया गया है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये एक अलग बोर्ड है, ये बनाया गया किसे है, तो ये बनाया गया है तजिंद्र मोहन भसीन, यानी कि टीएम भसीन को। तो ये दोनों याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, क्योंकि दोनों भी हाल ही में चेंज हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने डेवलप किया है चेफ मटीरियल और चेफ कैटरिक 118i फॉर इंडियन एयरफोर्स टू सेफ गार्ड फाइटर जेट्स फ्रॉम हॉस्टाइल रेडर थ्रेट, तो ये किसने बनाया है आपको यहाँ पे बता दूँ। अगर पूछा जाए कौन सी पेरेंट कंपनी है या पेरेंट कौन है, तो DRDO ने बनाया है, बट बेसिकली DRDO की जो आगे सब्सिडरीज हैं उन्होंने बनाया है। एक तो आ जाती है आपकी डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर, और एक आ जाती है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पे है, तो ये है पुणे में। तो इन दोनों ने बेसिकली बनाया है, लेकिन अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा तो DRDO ने बनाया है। DRDO ने इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे निर्भया क्रूज मिसाइल, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, पिनाका रॉकेट्स का एडवांस वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है, अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम रॉकेट्स का भी एडवांस इन्होंने लॉन्च किया है, और एक नाम आपको याद रखना है INS विक्रांत का, ये आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसी के साथ DRDO के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी जी, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आज का। द्रोणाचार्य और पद्मश्री अवार्डी एथलीट थे OM नाम्बियार जी, इनका निधन हो गया है, ये किसके कोच थे। एग्जाम में आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो यही क्वेश्चन इस तरीके से आएगा ये PT उषा के कोच थे, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि OM नाम्बियार जी किस स्पोर्ट्स में जो थे ये कोच थे। द्रोणाचार्य अवार्ड क्या होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है जो भी कोचेज होते हैं उन्हें, और जो एथलीट्स होते हैं उन्हें दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, तो ये भी याद रखिएगा। OM नाम्बियार PT उषा के कोच थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा सद्भावना दिवस हर साल ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया, किस डेट को ये मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सद्भावना दिवस को हारमोनी डे के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड का जो नाम था उसको भी बदल दिया गया है, अब से उस अवार्ड का नाम होगा मेजर ध्यानचंद अवार्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम बदल के महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है, तो ये एयरपोर्ट जो था इस किस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, तो हिसार एयरपोर्ट का नाम जो है वो बदल दिया गया है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे, तो ये है हरियाणा में, तो ये भी आप याद रखना, हरियाणा में पहला ग्रेन ATM लगा है। ये जो क्वेश्चंस मैं बार बार रिपीट करता हूँ ये वो हैं जो एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, पहला ग्रेन ATM आपका हरियाणा में लगाया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज पसंद आती है, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिले, तो इसके लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें। और एक सितंबर से हम लोगों का पूरा प्लान जो होगा इन चीज़ों को फॉलो करने का वो थोड़ा बदल जाएगा, तो मैं आपको सारा डिटेल में आके एक वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।